नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है, यहाँ पर IPL 2020 से कुल 28 खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। अब दोस्तों, कौन से हैं वो खिलाड़ी और क्या है उनकी लिस्ट, हम आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिएगा और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल की घंटी को जरूर से दबा लीजिएगा। दोस्तों, UAE में 19 सितंबर से इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने जा रहा है, फाइनल 10 नवंबर को होगा। ये विंडो दोस्तों पूरी तरह खाली है। इस दौरान होने वाले T20 वर्ल्ड कप समेत लगभग सभी जो द्विपक्षीय सीरीज कोरोना के से पहले ही टाली जा चुकी हैं। हालांकि दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 से लेकर 16 सितंबर तक लिमिटेड ओवर्स की सीरीज होनी है। IPL से ठीक 3 दिन पहले ये सीरीज खत्म होने वाली है और इस सीरीज से जो है वो IPL को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं वो क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद के 10 दिन बाद यानी कि 26 सितंबर से IPL में अपनी अपनी टीम से जुड़ सकेंगे। यानी कि करीब जो 28 खिलाड़ी हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के, वो 26 सितंबर से IPL में अपनी टीम से जुड़ सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड दौरे पर 4, 6 और 8 सितंबर को 3 T20 की सीरीज साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में खेलनी है। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच में 11, 13 और 16 सितंबर को 3 वनडे मैचों की सीरीज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड्स के मैदान पर होगी। सभी 6 मैच जो हैं वो साउथहैम्पटन और मैनचेस्टर के बायोसिक्योर स्टेडियम में खेले जा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, सीरीज के बाद IPL खेलने वाले सभी खिलाड़ी जो हैं वो 17 या 18 सितंबर को UAE पहुंचेंगे। वहां पर वो 6 दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में रहेंगे। इस दौरान पहले दिन, तीसरे दिन और छठे दिन सभी का कोरोना टेस्ट होगा और सभी रिपोर्ट्स में नेगेटिव आने पर ही जो प्लेयर्स हैं वो 7वें दिन बायोसिक्योर माहौल में एंट्री लेंगे। IPL में इस सीज़न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के 29 खिलाड़ी खेलेंगे। इस बार सबसे महंगे 15.5 करोड़ रुपए में बिके ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस भी शामिल हैं, तो वहीं जिनको कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। वहीं इसके अलावा डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, ये सब शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सीरीज से सबसे ज़्यादा नुकसान राजस्थान रॉयल्स की टीम को होगा, क्योंकि इनके तो टीम के कप्तान समेत 3 बड़े खिलाड़ी जो कि इनकी टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं वो यहाँ पर शुरुआती हफ्ते के लिए बाहर रहेंगे, जिसमें स्टीव स्मिथ, जोफ्रा आर्चर और जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। राजस्थान के कप्तान ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ हैं। इनके अलावा इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर जो हैं वो यहाँ पर शुरुआती हफ्ते को जो है वो मिस कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है वो देख सकते हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है सीरीज के लिए। तो जो खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल हैं वो यहां पर उस टाइम या फिर कह सकते हैं कि ये सारे खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर IPL में देरी से पहुँचेंगे। वहीं पर दोस्तों, बात करें इन खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट की, तो आप लिस्ट को जो है वो यहाँ पर अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर शुरुआती हफ्ते को मिस करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो और हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो IPL 2020 के लिए ही ऐसी ही ऑथेंटिक न्यूज़ डेली पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डेली न्यूज़ अड्डा को और बेल की घंटी को ज़रूर से दबाएँ, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। धन्यवाद।